हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बैटर है ना, आलू का जो मिक्सचर है, मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसिस पे आलू लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसको अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल सारी हमारी पूरी ब्रेड पे, इसकी जो स्टफिंग है सारी पूरी हमारी ब्रेड पे लग जाए। तो हम सारी ब्रेड पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। जितने आपके यहाँ मेंबर्स हैं, जितने भी आपके यहाँ लोग हैं, जिनको जितना खाना है, तो उस हिसाब से हम सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे। जब हम फ्राई करेंगे ना, तो सारी एक साथ आसानी से हो जाएंगी। एक एक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी ब्रेड तैयार हो जाएगी हमारी, तो इसके बाद हम फ्राई करेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं आप, मेरी सारी स्लाइसेस तैयार हो चुकी हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी बेसन बनाना, जो ब्रेड पे लगेगा। तो मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब मैं इसको पानी में स्मूथ मिक्स हुआ। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है ये। हम डाल देंगे इसमें हल्दी, नमक और मिर्च एंड कोरिएंडर लीव्स एंड चिली। हम मिक्स करेंगे हम अच्छे से। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है। अब हम इस जो हमने स्लाइसेस बना के रखे थे, हम इसको डिप करेंगे और अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं इसको फ्राई करने के लिए। ब्रेड पकौड़े को आप फॉर्चून ऑयल भी ले सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद है वो ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्योर बन के आता है, तैयार होकर आता है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है। और हमारे यहाँ सरसों का ऑयल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना हमारी फैमिली में, तो इसलिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप देख सकते हैं येलो हो गया है इसका कलर, कितना प्यारा कलर आया। और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुआ था, हम लोगों ने तो बहुत ही इंजॉय किया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब हम इसको सर्व करेंगे। देख सकते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े रेडी हैं खाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर।